नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। रस के कितने अंग होते हैं, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है रस के कितने अंग होते हैं, इसका राइट आंसर बताइए। 5, 9, 4 या फिर 3, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 4। या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। गया, रस के कितने अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 4 करेक्ट आंसर होगा। या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुड, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। रस के पूछा गया कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा, 4 करेक्ट आंसर है। माही डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और निश्चिंत होकर। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है 4 करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं, सभी इसका आंसर करिएगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आजान बाहु। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया है क्या कहते हैं, उसे आजानुबाहु कहा जाता आंसर है। इसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है। आपको बताना है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। बॉयस पहले आप लोग बताइएगा। आवाज क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। क्या पूछा गया है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे कहा जाता है अगोचर। क्या कहा जाता है, अगोचर कहा जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है अगोचर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गुड इवनिंग, 20 का राइट आंसर होगा, बहुत अच्छे। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आज की क्लास में 60 क्वेश्चन होंगे, आपका टारगेट रहेगा 50+ का। कठिन और सरल दोनों प्रकार के क्वेश्चन है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है, सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है, साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। साहित्य से मिलने वाली आनंद की अनुभूति, यह तो सही उत्तर है। यह तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए विध्वंस किस प्रकार शुद्ध लिखा, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों सभी जल्दी से बताइएगा, विध्वंस किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, शुद्ध वर्तनी का। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा विध्वंस। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। मनोरथ का संधि विच्छेद बताइए क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होता है।
लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मना धन रथ। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, मनोरथ का सही संधि राइट आंसर है। इसी प्रकार से आंसर करिए, इसका आंसर करिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बहुत अच्छे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे रस के अंग पूछे गए थे। क्या पूछे गए थे? रस के अंग पूछे गए थे। आप लोग याद रखिएगा, रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या पूछा गया है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 8। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भरत मुनि के अनुसार पूछे गए हैं रसों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है 8, करेक्ट आंसर होगा। यस, भरत मुनि के अनुसार पूछी गई है तो 8 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है श्रद्धालु किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। श्रद्धालु किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है? इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा श्रद्धालु, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है 1 आंसर होगा। क्या पूछा गया था? श्रद्धालु किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताइए इसमें देवता का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? सुर, अमर, देव, सुधाकर, इस प्रकार से ऑप्शन है। अमित, वेरी गुड। माही, बहुत अच्छे। कोमल, आशीष, योगेश, प्रियंका, आप सभी के राइट आंसर हैं। रिंकू, संजय, योगिता, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। लोकेश, वेरी गुड। कोमल, शिवकुमारी, रोहिणी, मुरारी लाल, कुलदीप, पासवान गर्ल, संतोष, नीसु, वेरी गुड। सभी ने राइट आंसर दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सुधाकर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सुधाकर देवता का पर्यायवाची नहीं होता है। सुधाकर किसका पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए सुधाकर किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है सुधाकर। बाकी आप लोग याद रखिए, सुर, अमर, देव, ये सभी देवता के पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा, सुधाकर करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शिमला जाना है, इजी क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। एक वाक्य आपको दिया गया है, पहले वाक्य को पढ़िएगा ध्यान से और बताइए इस वाक्य में कहां पर गलती है। बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है, बताइए इसमें कहां पर गलती है। सभी इसका आंसर करिए, गया या फिर कोई गलती नहीं है। गुड, है या फिर नहीं, ये आपको बताना है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इस बात में गलती है, कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, बुरा से बुरा व्यक्ति भी, ये गलत है। क्या सही होता है? बुरे से बुरा व्यक्ति भी। क्या सही होता है? बुरे से बुरा व्यक्ति भी। मान और प्रशंसा पाना चाहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। बुरा से बुरा गलत है, बुरे से बुरा सही होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है, वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, बताइए जिसका कोई आश्रय ना हो उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर करिएगा, बताइए जिसका कोई आश्रय ना हो उसे क्या कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, निराश्रय। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, जिसका कोई आश्रय ना हो निराश्रय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, क्या होगा।
पंक्तियां दी गई हैं, बताइए इन पंक्तियों में कौन सा रहस्य है, इसका राइट आंसर बताइए। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, बताइए इसमें कौन सा रहस्य है इन पंक्तियों में, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। दुख से संबंधित है तो करोड़ रस होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, करोड़ रस है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया था, इसके साथ ही एमपीएसआई की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में भी पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, करोड़ रस करेक्ट आंसर होगा। फिर से आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, सभी जल्दी, राइट आंसर क्या होगा, आवाज उठाना मावे का सही अर्थ क्या होता है, यस करोड़ का जो स्थायी भाव होता है शोक होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, क्या इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विरोध करना करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, विरोध करना, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। चलिए इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा, विभाग का आपको दिया गया है, मैंने गांव जाना है, ये गलत है, इसे शुद्ध करके बताइए। सही करिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुझे गांव जाना है। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, मुझे गांव जाना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिएगा, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, बताइए चक्रधर का अर्थ क्या होता है, सभी जल्दी से आंसर करिए। एक शब्द आपको दिया गया है चक्रधर, बताइए इसका अर्थ क्या होता है, वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसने चक्र धारण किया हो उसे कहा जाता है चक्रधर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इस बार आप सभी के राइट आंसर दिया, सभी के करेक्ट आंसर है। 17 के लिए आंसर करिए, बताइए दोस्तों हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, इसका राइट आंसर बताइएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, खड़ी बोली, अवधि, ब्रज या फिर मालवी, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड इवनिंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, खड़ी बोली करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, बताइए स्थावर, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, स्थावर का ब्लॉम आपको बताना, पूछा जाता है कई परीक्षाओं में तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताइए, जंगम होता है, जंगल नहीं होता है, जंगम होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है जंगम, करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, बताइए अपहरण में कौन सा उपसर्ग है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक शब्द आपको दिया गया है अपहरण, इसमें बताइए कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग से संबंधित परीक्षा में दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंफर्म है, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अप, यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, अपहरण में पूछा गया था कौन सा उपसर्ग है, अप उपसर्ग है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए इसका पहले कभी ना हुई हो, उसके लिए सब क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है जो बात पहले कभी ना हुई हो, सभी जल्दी से आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभूतपूर्व, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो, जो बात पहले कभी ना हुई हो, वाक्यांश के लिए शब्द होता है अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, झांसी, जालौन, हमीरपुर है, कौन सी बोली प्रचलित है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, क्या पूछा गया है, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है, कन्नौजी करेक्ट आंसर नहीं होगा, कन्नौजी कन्नौज में है और जो आसपास के जिले हैं वहां पर कन्नौजी बोली जाती है, कन्नौजी करेक्ट आंसर नहीं होगा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, ये बुंदेलखंड साइड है, तो बुंदेली करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बुंदेली बोली बोली जाती है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, बहुत अच्छे।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बुंदेली करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, बताइए वकील किस भाषा का शब्द है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए वकील किस भाषा का शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरबी। यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, वकील एक अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है और ये विदेशी शब्द है। अगर पूछा जाए कैसा शब्द है, विदेशी शब्द है क्योंकि अरबी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, आशा जगाने वाला उसे क्या कहा जाता है? जो आशा जगाता है उसके लिए शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, क्या पूछा गया है? आशा जगाने वाला क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आशाजनक। यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आशा जगाने वाला आशाजनक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है आशाजनक, करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भाव मालूम होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर होगा सी करेक्ट, इसका कठिनाई का ज्ञान होना। क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही अर्थ होता है, कठिनाई का ज्ञान होना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, बताइए दुआ में कितने चरण होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोहा में कितने चरण होते हैं? इसका राइट आंसर बताइए। गुड, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चार। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर है, दोहा में चार चरण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए सिक्स के लिए, बताइए नूतन का विलोम क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 का, क्या पूछा गया? नूतन का विलोम पूछा गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुरातन। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, नूतन का विलोम होता है पुरातन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है पुरातन, करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। गुड, वेरी गुड दोस्तों, क्या पूछा गया है? पावक और अग्नि के मध्य क्या संबंध है? ये पर्यायवाची शब्द है। कैसे शब्द है? पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, बताइए मित्र का बहुवचन क्या होता? सभी इसका आंसर करिएगा। मित्र किस प्रकार का शब्द है? मित्र एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन आपको बताना है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मित्रगढ़। यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, मित्र का बहुवचन होता है मित्रगढ़, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है मित्रगढ़, करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, जो सप्ताह में एक बार होता है उसे क्या कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए जो सप्ताह में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसे कहा जाता है साप्ताहिक। क्या कहा जाता है? साप्ताहिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, क्या पूछा गया है? लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रभाव मानना। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, प्रभाव मानना। हार मानना करेक्ट आंसर नहीं होगा, प्रभाव मानना, तो ऑप्शन नंबर 20 का। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, सब इसका आंसर करिए नंबर 31 के लिए, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विपक्षी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, विरोधी पक्ष का विपक्षी कहलाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, आपको इसमें एक वाक्य का चयन करना है,
बहुवचन भाग का। सभी इसका आंसर करिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा? लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें बताइए बहुवचन भाग कौन सा है, बहुवचन का किसमें प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा, लड़के लड़के से कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए एक कहावत दी गई है, अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत का सही अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत का सही अर्थ होता है अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है अन्न और अन्न इसका अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, अन्न और अन्य का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनाज और दूसरा। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा, अन्य का अर्थ होता है अनाज और अन्य दूसरा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए मधुशाला के लेखक कौन है। सभी जल्दी से आंसर करिए, मधुशाला के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हरवंश राय बच्चन। या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मधुशाला के लेखक हरवंश राय बच्चन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, बच्चा का बहुवचन क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बच्चे। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बच्चा का बहुवचन होता है बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 37 के लिए आंसर करिए, बताइए सेवाग्राम की डायरी किसकी कृति है, इसके लेखक कौन है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए सेवाग्राम की डायरी के लेखक कौन है? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्री राम शर्मा। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा, सेवाग्राम की डायरी श्री राम शर्मा की कृति है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। 38 के लिए आंसर करिएगा, सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए बंधन का ब्लॉम शब्द क्या होता है, आप बंधन का ब्लॉम शब्द बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, गुड। ब्लॉम शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुक्त। या तो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, ब्लॉम शब्द पूछा गया था वंदन का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए कनिष्ठ का ब्लॉम क्या होता है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कनिष्ठ का ब्लॉम क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वरिष्ठ। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, कनिष्ठ का ब्लॉम होता है वरिष्ठ। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसमें पुलिंग शब्द कौन सा है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें पुलिंग शब्द कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, ए करेक्ट आंसर होगा, पहिया। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पुलिंग शब्द पूछा गया था, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, पहिया एक पुलिंग शब्द है, बाकी स्त्रीलिंग शब्द है।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए आध्यात्मिक का ब्लॉम क्या होता है? एक शब्द आपको दिया गया है आध्यात्मिक, इसका बताइए ब्लॉम क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भौतिक। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आध्यात्मिक का ब्लॉम होता है भौतिक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए जिसका निवारण करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? सब इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए जिसका निवारण करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? यस कुलदीप, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दुर्निर्वार। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर आप लोग याद रखिएगा, जिसका निवारण करना कठिन हो दुर्निर्वार कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। 43 के लिए आंसर करिए। बताइए कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कवयित्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कवयित्री किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है, तो आप लोग देख सकते हो उस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है। बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं, इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी संबंधित। इसका आंसर करिए पर्यायवाची क्या होगा, सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, क्या पूछा गया है? शरीर का पर्यायवाची पूछा गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कलेवर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कलेवर शरीर का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, कलेवर करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए, बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सापेक्ष का ब्लॉम क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। सापेक्ष का ब्लॉम शब्द बताना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, निरपेक्ष। ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, सापेक्ष का ब्लॉम शब्द होता है निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? पहले वाक्य को पढ़िएगा, क्या वाक्य दिया गया है? राम खाता होगा किस वाक्य, ये जो है किस काल का उदाहरण है? मैथ की क्लास नहीं होती है, जीके और हिंदी की क्लास होती है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा, संदिग्ध है, खाता होगा और वर्तमान है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। संदिग्ध वर्तमान है, राम खाता होगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या भरा जाएगा? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। बताइए ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो कोई टाल नहीं सकता, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नियति कोई टाल नहीं सकता। यस, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है। चलिए नंबर 48 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कोई और कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन क्या होता है, सभी इसका आंसर करिए। अनाथ का ब्लॉम शब्द आपको बताना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सनाथ। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, अनाथ का ब्लॉम शब्द होता है सनाथ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए निर्धन में कौन सी संधि है, इसका राइट आंसर सभी जल्दी से बताइएगा। निर्धन में कौन सी संधि है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, विसर्ग संधि, क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा? निर्धन में विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर है। इसका आंसर ये क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसमें कौन सर्वनाम नहीं है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सर्वनाम ही है, इसका राइट आंसर क्या होगा?
गुड, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं आए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 10 गुना। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर है, 10 गुना। कोई सर्वनाम नहीं है तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी कौन, उसने, कोई, ये सभी सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गुड आफ्टरनून, सभी जल्दी से आंसर करिए। होगा ऑप्शन नंबर डी, कठिन कार्य करना। या तो ऑप्शन नंबर डी, क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, तलवार पर चलना मतलब कठिन कार्य करना। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। ये जी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। ये जो स्पेस है बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? सीमा पर सेना तैनात है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सांप सूंघना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? सांप सूंघना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सेम जाना। या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सांप सूंघना मुहावरे का सही अर्थ होता है सहम जाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 55 के लिए आंसर करिए, बताइए कौशल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा इसमें? अभी इसका आंसर करिए दोस्तों, बताइए कौशल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दक्षता। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कौशल का पर्यायवाची शब्द होगा दक्षता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए इसमें कौन सा रस है? ये आपको पंक्तियां नहीं है, इसमें आपको बताना है निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। इसमें बताइए कौन सी पंक्तियां हैं? मीराबाई के लिए पंक्तियां हैं, बहुत अच्छे। इससे संबंधित पंक्तियां हैं, मीराबाई से संबंधित पंक्तियां हैं, और इसमें श्रृंगार रस है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। श्रृंगार रस है इसमें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बहुत अच्छे। और अगर पूछा रस का स्थाई भाव क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा, रति श्रृंगार रस का स्थाई भाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए साहित्य लहरी किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या? तुलसीदास या फिर रसखान, ऑप्शन नंबर ए होगा, सूरदास की। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुड, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए आलोचना करने वाला इसके ये क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलोचक। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, आलोचना करने वाला आलोचक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए हवा का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, चार ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें बताइए हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, समीर। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, समीर हवा का पर्यायवाची है, वायु का पर्यायवाची होता है। गुड, मारुत भी हवा का पर्यायवाची है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है 60 का, जो बांटा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू हो, इसीलिए क्लास रुक रही हो। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए जो बांटा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अभाज्य। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अभाज्य करेक्ट आंसर होगा, बहुत अच्छे। गुड गुड, चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने हिंदी 60 क्वेश्चन डिस्कस किया। होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड, आज की इसमें जो क्लास थी इसमें अलंकार के क्वेश्चन थे। मुरारी लाल वेरी गुड, अच्छा स्कोर है। शिव कुमारी, पासवान गर्ल, कुलदीप वेरी गुड, अनुराधा वेरी गुड।
नीसू बहुत अच्छे, आप सभी के अच्छे स्कोर हैं। गुड, चलिए पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। यस शिवम, आरके बहुत अच्छे, राधा वेरी गुड, कुलदीप डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे क्लास होगी, जीके जीएस की क्लास है, सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। चलिए थैंक यू गाइस।